नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बात बिहार चुनाव की करेंगे। आज से नामांकन शुरू हो गए हैं, लेकिन दोनों तरफ, चाहे वो फिर एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों के उम्मीदवार अभी तक फाइनल नहीं हुए। यहाँ तक कि सीटों को लेकर के भी कुछ भी फाइनल होता हुआ नहीं दिख रहा है। एनडीए और महागठबंधन, इन दोनों में मीटिंगों का दौर जो है वो जारी है, लेकिन अभी क्या फैसला आएगा इसको लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक चल रही है दिल्ली में। अमित शाह बैठक कर रहे हैं जेपी नड्डा के साथ, उसमें जो है एलजेपी को लेकर के खास तौर पे बात हो रही है। दूसरी तरफ महागठबंधन, बिहार महागठबंधन का एक बड़ा घटक दल है कांग्रेस, और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है। आपको पता ही होगा कि कल कांग्रेस के अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा दिल्ली जा रहे थे, तब उन्होंने मीडिया से भी बात की थी और वो इसी काम के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। तो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक अभी दिल्ली में जारी है और इसमें बताया जा रहा है कि खासतौर पे इस बात को लेकर के फैसला लिया जा सकता है कि क्या कांग्रेस बिहार में महागठबंधन में रहते हुए चुनाव लड़े, या फिर महागठबंधन से बाहर आकर, जैसे कि उनके बहुत सारे नेता बयान दे रहे थे कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है, तो क्या 243 सीटों पर कांग्रेस लड़ने के मूड में है, इसके लिए भी कोई फैसला हो सकता है। हालांकि ये मीटिंग के बाद अगर कुछ बातें सामने आएंगी तो हम आपको उसमें क्लियर करेंगे। लेकिन बिहार चुनाव के जो कांग्रेस के प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोयल, उनका इस मीटिंग से पहले कल रात में एक बयान आया, जिस बयान ने कई सारे और कयासों को जन्म दे दिया है। मीडिया से वो जो बात कर रहे थे इस दौरान, वो कह रहे थे कि वो मोदी को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात से जानते हैं और वो जानते हैं कि किस तरीके से वो किसी पार्टी की कमज़ोर कड़ी को पकड़ करके, नस दबा करके उससे वो काम करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं। उनका इशारा साफ तौर पे आरजेडी की तरफ था। आरजेडी की तरफ से कांग्रेस को लेकर के जिस तरीके के बयान आ रहे थे उससे शक्ति सिंह गोयल जो है वो नाखुश लग रहे थे और वो साफ तौर पे कह रहे थे कि कैमरे पर ऐसा बयान, कैमरे की आंख के सामने ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। यहाँ तक उन्होंने ये भी कहा कि राजद की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो सही नहीं है, और महागठबंधन में जो जितने भी घटक दल हैं, वो उन्होंने कहा कि जितनी भी लाइक माइंडेड पार्टियां हैं उन्हें एक साथ आना चाहिए। हम ऐसा चाहते हैं और हम हमेशा से ऐसे ही कहते रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो आरजेडी को लेकर के उठाए हैं, और इसमें उन्होंने यहाँ तक एक इशारों में बात कह दी है कि आरजेडी पर बीजेपी इस तरीके का दबाव बना रही है कि महागठबंधन से किसी तरीके के से जो है कांग्रेस को बाहर किया जाए या फिर बिहार में महागठबंधन बने ही नहीं। शक्ति सिंह गोयल अपने बयान में ये कहते हुए साफ तौर पे दिखाई दिए कि अगर कोई किसी पार्टी पे दबाव बनाकर ये कोशिश कर रहा है कि महागठबंधन तोड़ दे या फिर कांग्रेस को महागठबंधन में नहीं रहने देना चाहता है, तो कांग्रेस भी अपने बी प्लान के साथ तैयार है। यानी उनका इशारा 243 सीटों पर कांग्रेस के चुनाव लड़ने की बात पर था, और वो साफ तौर पे ये भी बता रहे थे कि जरूरी नहीं कि महागठबंधन में जो है सब कुछ सही हो जाए, उनका इशारा था, लेकिन वो कह रहे थे कि लाइक माइंडेड पार्टियों को एक साथ आना ही होगा और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। आप शक्ति सिंह गोयल के बयान को जो है उपेंद्र कुशवाहा के उस बयान से मिलाते हैं जब वो जो है बसपा के साथ गठबंधन कर रहे थे और उनका एक बयान आया था जिसमें वो साफ तौर पे कह रहे थे कि तेजस्वी जो है वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं, और उन्होंने कई सारे आरोप लगाए थे। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या बीजेपी और आरजेडी के बीच अंदर खाने कुछ चल रहा है? क्या बीजेपी सच में जो है दबाव बना रही है? आप इसको लेकर के थोड़ा सा पीछे चलें तो झारखंड चुनाव में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जिस तरीके का महागठबंधन बना, जिस तरीके से पार्टियाँ एकजुट हुई और बीजेपी के खिलाफ आकर उन्होंने चुनाव लड़ा, उससे क्या हुआ कि झारखंड में जहाँ पर लग नहीं रहा था कि बीजेपी हारेगी, वहाँ पर अच्छी बहुमत से जो है बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और महागठबंधन सत्ता में आ गई। यानी बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये देखा कि महागठबंधन जो है अगर एकजुट होकर के लड़ेगी तो बीजेपी को नुकसान हो जाएगा। ऐसे में अब जब बिहार चुनाव सामने हैं तो बीजेपी अंदर खाने ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो है महागठबंधन को पनपने ही नहीं दिया जाए, यानी महागठबंधन को बनने ही नहीं दिया जाए। आप इस चुनाव में देख रहे होंगे कि अभी तक नॉमिनेशन की तारीखें आ गई हैं, लेकिन अभी तक जो है महागठबंधन में सीटों को लेकर के जो चर्चा होनी चाहिए थी, जो बातें होनी चाहिए थी, वो हुई ही नहीं है। और इसी कारण से शायद भाकपा माले, जो कि आरजेडी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती थी, वो आज गठबंधन से बाहर निकल करके उसने 30 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का फैसला भी ले लिया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ज़रूर है। अब क्या है इसके तो हम कयास ही लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़े सबूत सामने नहीं हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहें बिहार के साथ। धन्यवाद।